हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मानत, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का नवरात्रि का बैनर पोस्टर बनाना चाहते हैं अपने फ्रेंड और सबका फोटो लगा के, अपने दोस्तों का फोटो लगाकर इस तरह से फोटो बैनर बनाना चाहते हैं नवरात्रि उत्सव का, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए। इस वीडियो में आपको बताया हूँ कि इसका PLP फाइल किस तरह से डाउनलोड करके किस तरह से पिक्सल नंबर ऐड करेंगे, और सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस तरह से बैनर आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें। तो देखिए दोस्तों, इसका PLP फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, मैं वो लिंक व्हाट्सअप में कॉपी करके रखा है, मैं यहाँ पर दिखा देता है। तो ये वाला लिंक है, इस तो आपको लिखा रहेगा नवरात्रि बैनर PLP, उसका लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एक ब्राउज़र में ओपन करने को बोलेगा, तो आपको कोई भी एक ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। तो जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा, उसके बाद से आपको इसके ऊपर टच करके इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे टच करेंगे तो इसका डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा, यहाँ ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इसका डाउनलोडिंग चालू हो चुका है और डाउनलोड हो रहा है, तो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको प्ले स्टोर से RR ऐप डाउनलोड कर लेना है, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा RR ऐप, उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको ओपन करना है। ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको डाउनलोड फोल्डर में चले जाना है। डाउनलोड फोल्डर में जो जीप फाइल आप डाउनलोड किया होंगे PLP फाइल का, वो आपको डाउनलोड फोल्डर में गया होगा। तो डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद आपको यहाँ पे देख लेना कहाँ, जैसे मैं नाम लिखा हूँ यहाँ पे नवरात्रि बैनर, तो यहाँ पे हम देख लेंगे नवरात्रि बैनर PLP। देखिए ये वाला है, तो इसके ऊपर हम यहाँ से टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद प्लस के बगल में जो तीर का ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगना है, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है 4038, ये पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो ये अनजिप हो जाए। उसके बाद से इसको पिक्सल लैब में आपको ऐड कर लेना है। तो पिक्सल लैब में कैसे ऐड करेंगे, अगर आपके पास पिक्सल लैब नहीं है तो पिक्सल लैब प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो पिक्सल लैब को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है, तो ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको ओपन डॉट PLP फाइल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ऊपर PLP लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको डाउनलोड फोल्डर में भी यहाँ पे भी जाके आपको फोल्डर में जाके देख लेना है। यहाँ से डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे तो डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद आपको यहाँ पे नवरात्रि बैनर PLP इस तरह से शो करेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। और वो यहाँ पे लिखे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओपन एंड ऐड पर क्लिक करके इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पिक्सल में ऐड हो चुका है, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता है। देख सकते हैं यहाँ पर पिक्सल में ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर फोटो को चेंज कर लेना है, जो वो जो फोटो आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो सभी फोटो को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम एक छोटा वाला फोटो को यहाँ पे चेंज करके आपको दिखा देते हैं पहले। तो यहाँ से समझ लीजिए ये वाला फोटो हम यहाँ पे चेंज करने का है, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फ्रॉम गैलरी में। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद एक फ़ोटो ले लेंगे, जो फोटो आप चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम कोई एक फ़ोटो ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ से फोटो ये फोटो ले लिए। उसके बाद हम इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको हम छोटा कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से छोटा कर लेंगे, यहाँ पे इसके साइज से यहाँ से छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करेंगे, ये लाइन पूरा कम कर देंगे। उसके बाद इसकी मदद से आपको यहाँ पे इस तरह से कम करके आपको यहाँ पे इसके मदद से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है अपने हिसाब से। जो जो फोटो यहाँ पे लगाना है उस फोटो को यहाँ पे चेंज कर देना। ये जो फोटो यहाँ पे लगाया है इस फोटो को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको डिसेबल कर देना है और यहाँ से जाके फिर आपको गैलरी में जाके इस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये फोटो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो नाम लिखा है उसको यहाँ पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करना है। आपको जो नाम लिखना है वो आपको नाम यहाँ पे लिख लेना है और यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद से आपको दोस्तों यहाँ पर और कुछ चेंजिंग नहीं करना है, बस इतना आपको चेंजिंग कर लेना है यहाँ पर फोटो और यहाँ पर नाम चेंज करना है। उसके बाद आपका पोस्टर बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है और सेव एज इमेज पर क्लिक करके इसको HD में सेव कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करना है और अल्ट्रा में करके इसको सेव कर लीजिएगा। सेव कर लेंगे तो ये HD में हो जाएगा। उसके बाद इसको फुल HD में करना चाहते हैं तो इसको रेमनी ऐप में जाके फुल HD में कर लीजिएगा।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर मम्मी। दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें।